हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी मोर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स लाइक मोर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हम पढ़ रहे थे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर इसमें हमने देखा कि हम वाटर का क्या चेक करते हैं पीएच वैल्यू चेक करते हैं हम वाटर की एल्कलिनिटी चेक करते हैं हम वाटर है, का हार्डनेस का कैलकुलेशन हमने देखा कि किस तरह किया जाता है टाइट्रेशन के थ्रू अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द नाइट्रोजन कंटेंट ये भी आपका क्या है एक केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है विथ नेम नाइट्रोजन कंटेंट दैट मीन्स कि अगर आप रॉ वाटर को सरफेस सोर्स या सब सरफेस सोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं निकाल रहे हैं तो आपको उसमें नाइट्रोजन कंटेंट का भी डिटर्मिनेशन करना होता है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाइट्रोजन का कंटेंट भी एक इंपैक्टफुल पैरामीटर है ह्यूमंस पर इसी वजह से इसका हम क्या करते हैं प्री कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पानी में कितना नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारे वाटर की पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है इट रिप्रेजेंट दी पॉल्यूशन ऑफ वाटर। लाइक कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पानी में अवेलेबल है वो हमें बताता है कि पानी की स्टेट क्या है वो क्या वो रिसेंटली पॉल्यूशन उसमें आया है या उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है क्या उसमें फुली वो ऑक्सीडाइज हो चुका है ये सारी चीजें हम नाइट्रोजन के कंटेंट से डिटरमाइन करते हैं

और वी कैन से प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो पॉल्यूशन का कॉज रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा अगर नाइट्रोजन कंटेंट है तो वो पॉल्यूशन और ऑर्गेनिक मैटर हमें पानी में बताता है अब किस तरह से ये इंडिकेट करता है तो हम देखेंगे कि किस टाइप की हमारी नाइट्रोजन अवेलेबल है पानी में और ये हमारे नाइट्रोजन क्या इंडिकेशन हमें दे रही है तो फर्स्ट हम बात करें अगर आप किसी रॉ वॉटर की स्टडी कर रहे हैं और आपको उसमें फ्री अमोनिया मिलता है फ्री अमोनिया तो आप बता सकते हैं कि उस वॉटर हमारा फ्री अमोनिया ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वॉटर है वो रिसेंट उसमें क्या हुआ है पॉल्यूशन हुआ है रीसेंट मतलब रॉ वाटर था उसमें अगर फ्री अमोनिया का अमाउंट है दैट मींस वो वाटर हमारा पल्यूट हुआ है अगर ऑर्गेनिक अमोनिया अवेलेबल है ऑर्गेनिक अमोनिया तो ये आपको क्या शो करेगा जिसको हम एल्यूमिन कहते हैं ये हमारा क्या शो करेगा ये इंडिकेट करेगा क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर द डिकम्पोजिशन मतलब अभी जो रिसेंट पॉल्यूशन है ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है उस कंडीशन में आपको ऑर्गेनिक अमोनिया यहां पर मिलेगा ऑर्गेनिक अमोनिया पानी में प्रेजेंट है दैट मीन्स कि यह हमें क्या शो कर रहा है नाइट्रोजन का अमाउंट बिफोर डिकम्पोजिशन बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसी तरह अगर आपने पानी को टेस्ट किया और आपको पानी में नाइट्राइट मिल रहा है नाइट्राइट अमाउंट ऑफ नाइट्राइट पानी में अवेलेबल है दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दार्टली डीकम्पोज कंडीशन नाइट्राइट क्या बताते हैं पार्टली डीकम्पोज कंडीशन आपके ऑर्गेनिक मैटर क्या हुए हैं पार्टली अभी डीकंपोज्ड हुए हैं फुल्ली नहीं हुए हैं बट जैसे ही आपके पानी में आपको क्या मिलता है नाइट्रेट मिलते हैं नाइट्रेट का अमाउंट अगर वाटर में आ गया है दैट मींस कि इट रिप्रेजेंट ओल्ड पोल्यूशन मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या हो चुके हैं फुली ऑक्सीडाइज्ड हो चुके हैं इस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेंट अब ये सब क्या है फ्री अमोनिया इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट ऑर्गेनिक अमोनिया इज अट्रोजन कंटेंट नाइट्राइट भी हमारे नाइट्रोजन कंटेंट है एंड नाइट्रेट भी हमारा नाइट्रोजन कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम इसे और अच्छे से समझें तो फ्री अमोनिया को हम बोल सकते हैं कि दैट फ्री अमोनिया शुड नॉट बी मोर देन पॉइंट वन फाइव मिलीग्राम पर लीटर इन वॉटर हम क्या बोल रहे हैं कि इस फ्री अमोनिया का अगर हम बात करें कंटेंट की तो दैट शुड नॉट मोर देन पॉइंट वन फाइव मिलीग्राम पर लीटर अगर इससे ज्यादा पानी में फ्री अमोनिया हो जाता है तो हम उसे यूज नहीं करते हैं और इसका मेजरमेंट हम क्या करते हैं हम इसको कैसे हटा सकते हैं तो बॉइलिंग के थ्रू सिंपल बॉइलिंग से हम इसका मेजर निकाल सकते हैं हम बात करें ऑर्गेनिक अमोनिया की तो ऑर्गेनिक अमोनिया हमारा जो है दैट शुड बी लेस देन पॉइंट थ्री मिलीग्राम पर लीटर ये ऑर्गेनिक अमोनिया की लिमिट है इसी तरह अगर हम बात करें नाइट्राइट की तो हमारे वाटर में नाइट्राइट अवेलेबल नहीं होना चाहिए इट शुड बी नील अगर आपके वाटर में नाइट्राइट है तो आप उसको फिर यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल हम बात करें नाइट्रेट्स की तो नाइट्रेट शुड बी लेस देन 45 शुड बी लेस देन 45 मिलीग्राम पर लीटर मतलब एक एक लिमिट है पॉइंट ऑर्गेनिक अमोनिया के लिए लेस देन पॉइंट थ्री मिलीग्राम पर लीटर नाइट्राइट जीरो होने चाहिए आप नाइट्राइट वाला वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते नाइट्रेट की बात करें तो लेस देन मिलीग्राम पर लीटर ये जो नाइट्रेट्स हैं ये एक को कॉज करते हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको नाइट्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये पानी में एक डिसीज को कॉज करते हैं जिसे कहा जाता है ब्लू बेबी डिसीज

तो हमें इसका कंटेंट याद रखना है कि आपका जो नाइट्रेट्स हैं वो हमारे पानी में 45 मिलीग्राम पर लीटर से कम होने चाहिए हम बात करें नाइट्रेट के कंसेंट्रेशन की तो इसे हम मेजर करते हैं थ्रू द कलर मैचिंग टेक्निक्स और हमारा जो फ्री अमोनिया है एंड ऑर्गेनिक अमोनिया है इनकी हम बात करें तो आपकर मिलके बनाते हैं इन्हें कहा जाता है इनके सम को कहा जाता है दिस जैल अमोनिया इनका इसका नाम होता है एडिशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया सो दिस इज ऑल अबाउट दी नाइट्रोजन कंटेंट अब हम बात करते हैं अबाउट द क्लोराइड कंटेंट हमने क्या हम ये क्या पढ़ रहे हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जिसमें हमने देखा कि पानी में कितना नाइट्रोजन कंटेंट होना चाहिए किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए ताकि हम उसे यूज कर पाए फॉर द वॉटर सप्लाई जिसमें हमने देखे कि फ्री अमोनिया शुड शुड बी बी नॉट मोर देन पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर ऑर्गेनिक अमोनिया शुड बी लेस देन पॉइंट थ्री मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रेट शुड बी लेस देन फोर्टी फाइव मिलीग्राम पर लीटर एंड नाइट्राइट शुड बी नील इन वॉटर उसी तरह हम चेक करते हैं क्लोराइड का कंटेंट क्लोराइड तो पानी में जो क्लोराइड का मेन सोर्स है वो क्या होता है सॉल्ट होते हैं आप आपने फील किया होगा कि सॉल्टी वाटर भी होता है तो क्या होता है उसका अमाउंट सॉल्ट का बढ़ जाता है तो इसे हम बोलते हैं कि सॉल्टी वाटर हमें टेस्ट में लग रहा है इसकी हम एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें कि कितना सॉल्ट पानी में है तो हम उसे उस वाटर को एक्सेप्ट करेंगे फॉर वाटर सप्लाई एक्सेप्टेबल लिमिट इतना अमाउंट ऑफ क्लोराइड अगर बढ़ गया है वन थाउजेंड मिलीग्राम पर लीटर से पानी में क्लोराइड एक्सीड कर गया है तो आप उस वॉटर को इवन ट्रीट भी नहीं करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे आप उसको यूज नहीं करेंगे इसके बाद हम डिस्कस करें कि हाउ टू मेजर क्लोराइड तो आप रॉ वॉटर को जैसे हमने पीएच निकाला एल्कलिनिटी निकाला उसी तरह क्लोराइड कंटेंट निकालने के लिए भी हम रॉ वॉटर को टाइट्रेट करते हैं सो so बेसिकली जब भी आप केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो आप याद रखेंगे कि आप कहाँ कहाँ टाइट्रेशन कर रहे हैं और कौन कौन से टेस्ट के लिए आपने टाइट्रेशन किया और उसमें आप क्या क्या टाइट्रेट आपने यूज किया इंडिकेटर कौन सा यूज किया तो यहां पर जब हम क्लोराइड का कंटेंट चेक करते हैं रॉ वॉटर में तो हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट टाइट्रेंट क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट ये आपका वन मार्क का क्वेश्चन बन जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का ए जी थ्री इंडिकेटर आप क्या यूज करते हैं पोटेशियम क्रोमेट फॉर दी टाइट्रेशन इंडिकेटर किस लिए क्लोराइड कंटेंट को निकालने के लिए कौन सा इंडिकेटर पोटेशियम डाई क्रोमेट इसके बाद अगर आ, हमारा क्लोराइड कंटेंट पानी में बढ़ जाए तो क्या कॉजेस हो सकते हैं कॉजेस क्या क्या प्रोड्यूस करेगा तो इट कॉज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑल्सो अदर सोर्सेज अगर हम इनके सोर्सेस की बात करें तो इसके सोर्सेज क्या हैं सीवेज आपने देखा होगा जो सीवेज निकलता है ह्यूमन एक्सर्टा निकल रहा है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है इसकी वजह से पानी में क्लोराइड कंटेंट बढ़ जाता है लाइक like, आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है सीवेज है ये कंटेन करता है क्लोराइड कंटेंट को और अगर ये आप रिवर्स में पास कर दें या किसी सी वाटर में आप उस सीवेज को डिस्पोज कर दे तो वहां पर ये क्या करता है सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा देता है तो इस तरह हमने देखा कि हमारा क्लोराइड कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट की क्या लिमिट्स होती हैं और ये लिमिट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है क्लोराइड कंटेन की एक्सेप्टेबल एंड रिजेक्शन कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट एंड फ्री अमोनिया ऑर्गेनिक अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स की लिमिट थैंक यू